तो ये है आउटफिट जो हम लोग मंगनी में पहन के जाएंगे। अब जी बारी आई है पेमेंट। ऐसे ये देखें टैब। तो अस्सलाम वालेकुम बड़ी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो गाइज आज हम लोग जा रहे हैं सदर की तरफ, हेयर कट वगैरह कराना है, बहुत जल्दी वाला फिलहाल हाल हुआ है मेरा तो। और एक हफ्ते के बाद, एक दो हफ्ते के बाद मेरी जो कज़न है उनकी मंगनी आ रही है, तो आज उसकी भी शॉपिंग करना है। पूरा सज धज के जाऊँगा, जैसे दुल्हन का कज़न लगना चाहिए ना थोड़ा थोड़ा। चले अब हम लोग बस निकलने लगे हैं थोड़ी देर तक। पहले हम लोगों ने जाना है सदर, वहाँ से करानी है कटिंग, उसके बाद फिर हम लोगों ने पता नहीं बाबा ही किसी उस शॉप पे लेके जाएंगे कपड़ों वाली, देखते हैं किस शॉप पे लेके जाते हैं, वो किसी शॉप पे लेके जाएंगे, कोट लेंगे, पैंट लेंगे, या सही साथ दस के जाएंगे। गाय जितना फिलहाल रश है ना, मुझे तो लग रहा है कि हम लोग शाम को ही सदर पहुंचेंगे, क्योंकि हम लोग कोई घंटे दो से या आधे घंटे से फंसे हुए हैं रश के अंदर। मेरी भी कटिंग कर दो, आप लोगों को खुदा का वास्ता है, मैं पिछले 10 मिनट से बैठा हूँ, मेरी भी कर दो कटिंग। तो गाइस बाबा की देख लें ऑलमोस्ट कटिंग होने वाली है, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी मेरे कितनी प्रोग्रेस हुई है कटिंग। मैं अभी तक वहीं कम ही बैठा हूँ, बाबा की जो भी कटिंग कर रहे हैं वही मेरी कटिंग करेंगे। बहुत लेट हो गए, मगरिब की अज़ानें भी हो गई। तो गाइस कटिंग के बाद हम लेने गए थे बाजी के लिए फ़ोन और दादू के लिए टैब, और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि मैं माइक को ऑन करना भूल गया था। इस दुकान का जी नाम है फैसल कम्युनिकेशंस, और बाजी के लिए हम लोगों ने लिया है ओप्पो A54 जो आप देख सकते हैं सामने अनबॉक्स भी हो रहा है। ये जी सेम टू सेम वही फ़ोन है जो मेरे पास भी है, जब मैंने लिया था कुछ अर्से पहले तो ये कुछ 30 समथिंग कुछ का था, और अब ये हमें मिला है 50,000 का। और दादू के लिए जी हम लोगों ने लिया है गैलेक्सी टैब A7 Lite, और ये टैब है 47,000 का। ये देखे हो रही है इसकी अनबॉक्सिंग। हमने जी दादू के लिए नया टैब लिया है एज अ गिफ्ट, क्योंकि उनका जो पुराना टैब है वो हो गया था ख़राब। और देखे जी ये हो गया टैब की अनबॉक्सिंग, तो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो होप सो दादू के हमारा गिफ्ट पसंद आएगा। तो गाइस अब हम लोग आए हैं सबसे मेन चीज़ लेने जिसके लिए हम लोग सदर की तरफ आए थे, कोट पैंट सूट वगैरह। ठीक है, ऊपर पड़ी हुई है, इधर अंदर पड़ी हुई है। थैंक यू। ये कलर ठीक है ना मंगनी के लिए? ये वाला भी, ये वाला भी ठीक लग रहा है। भाई बोलिए, भाई से पूछो कौन सा अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये वाला या वो वाला? वो वाला भी अच्छा, ये वाइट वाला। फंक्शन का रात का रात का
रात के लिए अच्छा तो जी अब हमने ये पेंट लिया है, अब मैं जा रहा हूँ चेंजिंग रूम में इसको चेक करने। ठीक है कलर कलर बाद में देखेंगे, पहले ट्राई तो करो साइज देख रहे हैं। और जी हम लोगों ने अब सारा कुछ ले लिया है, ये है हमारा कोट और ये इसकी जो हमने इसके अंदर पहनी है शर्ट, और ये पैंट, पैंट हमने चेंज कर ली क्योंकि एक साइज हमने इसका ऊपर ले लिया और ये कलर भी अच्छा लग रहा था। एक दफ़ा दान भाई सेट कर लें, उसके बाद फिर आपको फाइनल दिखाता हूँ। शॉप का क्या नाम है? यूनिवर्स। चल बाबा ने आपको फुल डिटेल दे दी। तो ये है आउटफिट जो हम लोग मंगनी में पहन के जाएंगे। ओके थैंक यू अनाथ भाई। अब जी बारी आई है पेमेंट की। तो गाइस गाड़ी के अंदर तो हम लोग आ गए हैं, अब मैं बहुत थका हुआ हूँ तो अब हम लोग घर जाएंगे, उधर कुछ खाएंगे क्योंकि बहुत सख्त भूख लग रही है। तो गाइज अभी तो मैं ब्लॉग नहीं एंड कर घर जाके करूँगा। तो गाइज ये था वो टैब जो हम लोग लेकर आए हैं, ये देख लें, ये है टैब, ये ऐसे करके खुल भी जाता है गाइज, खुल भी जाता है ये, ठीक है ऐसे, ये देखें टैब, ये टैब। और ये बहन के लिए फ़ोन आया है क्योंकि उसने बाबा को ऐसे कहा था, बाबा मैं मंगनी से पहले मुझे एक फ़ोन चाहिए है, तो ये ना हो कि मैं फ़ोन मंगनी में अपना एक फ़ोन आओ फ़ोन लेके जाऊँ, मैं कहूँ मैं गौत का बुर्गर बची है। तो ये मेरा वाला ही फ़ोन है जो मैं अभी फ़िलहाल जिससे व्लॉग बना रहा हूँ वही वाला है। अम्मी चाचू बाहर खड़े होकर मुझे देख रहे हैं जैसे मैं पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा मुझे। तो गाइस ये आज हमने शॉपिंग की है, खर्चा करवाया बाबा का फुल फुल। तो गाइज अब मैं घर आ चुका हूँ और मैंने घर आते पहले सबसे पहले मैंने हाथ धोए और मैंने खाना खाया क्योंकि बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। तो अब मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने आज के व्लॉग में देखा, हम लोग गए थे कटिंग शटिंग कराई, टैब वगैरह लिया और मेरी जो कज़न की मंगनी आ रही है उसके लिए शॉपिंग भी की। तो कमेंट्स में बताना आप लोगों को ये आउटफिट कैसा लगा था। तो मिलते हैं आप सभी से अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना, कर दे जल्दी से।